हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा गतिविधि नंबर 2 की प्रश्नोत्तरी। गतिविधि नंबर 2 का नाम है चलिए पुनरावृत्ति करते हैं। साथियों, वीडियो पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ। मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल नंबर 15 गतिविधि 2 की प्रश्नोत्तरी। तो साथियों, चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर जहां हमको ये गतिविधि करनी है। गतिविधि नंबर 2 चलिए पुनरावृत्ति करते हैं, इसको मैंने प्ले कर दिया है और स्क्रीन में ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। गतिविधि 2 चलिए पुनरावृत्ति करते हैं, 50% अपलोड हो गई है और कुछ ही सेकेंड में आपके सामने ये ओपन होने वाली है। साथियों, इस गतिविधि को हम लाइव करेंगे जिससे किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, आपके साथ साथ मेरी भी हो जाएगी। ये 75% अपलोड हो गई है। सत्य और असत्य पर निशान लगाएं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है। तो साथियों, इसका सही जवाब हमें देना है। इसमें दो विकल्प दिए गए हैं, सत्य और असत्य। सवाल एक बार फिर से देखें आप। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है। तो साथियों, इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, असत्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं, सत्य या असत्य। तो इसका जवाब होगा सत्य। आगे बढ़ते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। तो साथियों, इसका सही जवाब बताइए आप, असत्य है या सत्य है। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, सत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के 8 क्षेत्र आयाम हैं, असत्य या फिर सत्य। सही जवाब है असत्य, विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है, असत्य है या ये सत्य है। एक बार फिर देखें आप, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है। साथियों, ये कथन सत्य है। तो इसका जवाब है विकल्प नंबर 2, सत्य है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है निर्देशित खेल बच्चों के द्वारा शुरू किया जाता है, असत्य या सत्य। तो इसका सही जवाब हुआ विकल्प नंबर 1, असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, सत्य या फिर असत्य। इसका सही जवाब है सत्य, विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, सत्य या असत्य। साथियों, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, विकल्प नंबर 1, सत्य है। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, असत्य या सत्य है। ये कथन भी सत्य है, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। इसका सही जवाब क्या होगा, असत्य या सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो नर्सरी क्लास होती है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। तो विकल्प नंबर 2 पर जाएंगे और अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाएंगे। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, बिल्कुल सत्य है कथन, विकल्प नंबर 2, बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं। टोटल क्वेश्चन 11 हो गए, क्वेश्चंस आंसर्ड 11। हमने कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है,
इसको सबमिट करते हैं और अपना स्कोर देखते हैं। योर स्कोर इज 11/11। तो साथियों आपने देखा कि हमारा स्कोर 11/11 आ गया है। आप भी इसी प्रकार से इस गतिविधि को पूरा कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम रह जाता है तो यहाँ पर रिडू का ऑप्शन है, आप रिडू करके इस असेसमेंट के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में भी शेयर कर दें, और साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।